हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है दीपा और आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी इडियम्स एंड फ्रेजेस का हमारा पार्ट 4। ओके, तो ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले इडियम से, जो कि है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब कि एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अब आप देखिए यहाँ पे ब्लू का, बोल्ट का मतलब जो है वो है बिजली। ओके, जो बिजली हमारी गिरती है ना वो, और ब्लू मतलब है स्काई, कि हमारे आसमान से स्काई से जो बिजली गिरती है वो इवेंट कैसा होता है आप खुद सोचिए। वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, अचानक से बिजली गिर जाती है कहीं भी। तो इसका मीनिंग एकदम सिंपल सा है बहुत। और दोस्तों आज के जो वीडियो है उसमें मैंने बिल्कुल ईजी ईजी सारे ईजी ईजी लिए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ और शायद मैं वीडियो को बीच बीच में पॉज भी करूँ, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल है द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब हमारा जो जो भी कंपनी का किसी का चेयरमैन है उसका जो रेजिग्नेशन है वो एकदम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, क्योंकि हो सकता है उस चेयरमैन के सबसे टर्म्स एंड कंडीशन सही हो, सब कुछ सही हो, फिर उसने रिज़ाइन क्यों किया, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट मतलब होता है एक सफ़ेद हाथी। इसका मतलब होता है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजिशन, ऐसी कोई चीज़ आपके पास होना जो कॉस्टली है और कोई काम की नहीं है, फालतू रखी हुई है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसी से लो आप, जैसे आपने एक सफ़ेद हाथी खरीद लिया, ओके, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ना वो दूध देता है, ना हॉर्स की तरह वो किसी काम में आएगा, वो रेस लगाएगा, ना गधे की तरह किसी काम में ले सकते हैं उसे, मतलब कोई काम का नहीं है वो, है ना। तो वो क्या है, एक कॉस्टली और ट्रबलसम पोजिशन है। एग्ज़ाम्पल है रवि वॉज एक्साइटेड टू बाय द फार्म। रवि एक खेत को खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन बट सून इट प्रूव टू बी अ वाइट एलिफेंट ही कुडेंट अफोर्ड। लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये तो वाइट एलिफेंट ही था, मतलब एक कॉस्टली और ट्रबलसम पोजिशन था जो मैं कि अब अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड होता है एक क्लोज फ्रेंड, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा तो आपको याद होगा, बोसम एक पॉजिटिव वर्ड है वैसे भी, ठीक है, तो बोसम फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड। एग्जाम्पल है आई एंड एंडी ग्रू अप राइट नेक्स्ट डोर टू ईच अदर, सो वी हैव बीन बोसम फ्रेंड सिंस वी वर किड्स। हम एक दूसरे के घर के बाजू में ही रहे हैं, बड़े हुए हैं, इसलिए हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। जो हमारे स्लीपिंग डॉग्स है, लाई का मतलब यहाँ पे झूठ बोलने वाला लाई नहीं है, ये ले वाला झूठ, ले का फॉर्म है पास्ट फॉर्म, ओके, मतलब लेटा लेटे रहना। तो जो स्लीपिंग डॉग्स हमारे सो रहे हैं उन्हें सोने ही दो, लेटे रहने दो, मतलब उन्हें छेड़ो मत, कहने का मतलब ये है। तो इसको आप डॉग्स की जगह इसको आप ले लो कि कोई मैटर है जो सो रहा है, स्लीपिंग है, मतलब जो चीज़ दब चुकी है उसे दबी रहने दो। अब जैसे नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है उसे वापस मत उखाड़ो फिर से, है ना, बोलते हैं ना गड़े गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना, तो वही वाली है ये इंग्लिश में ईडियम, हिंदी में वो वैसे बोलते हैं और इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू को वैसा का वैसा रहने देना, मतलब उसको सामने नहीं लाना, बार बार उसकी बातें नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई वॉज़ वेरी केयरफुल अबाउट वॉट आई सेड, मैं बहुत केयरफुल थी कि मैंने जो भी कहा उसके बारे में। इट इज़ बेस्ट टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब कि मैंने किसी भी पुराने गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ा, मैंने बस अब जो बात थी नॉर्मल वही करी है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों द प्रोज एंड कॉन्स। ये तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ के हम प्रोज देखते हैं और कॉन्स देखते हैं, मतलब कि अच्छाई और बुराइयाँ, है ना। तो फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, किसी चीज़ के फेवर में और किसी चीज़ के अगेंस्ट में जो चीज़ें होती है वो। व्हेनेवर आई हैव टू मेक अ टफ डिसीजन आई टेक अ मोमेंट टू कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स। जब भी मुझे कोई टफ डिसीजन लेना होता है तब मैं हमेशा कंसिडर करती हूँ क्या, प्रोज एंड कॉन्स किसी भी चीज़ के। जैसे यूजुअली आप प्रोज एंड कॉन्स कब देखते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, है ना, तो वैसे ही हर चीज़ में देखना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे दोस्तों मेक वंस फ्लैश क्रीप। इसका मतलब, क्रीप मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल गूज़बम्स खड़े हो जाते, गूज़बम्स हो जाते हैं एक तरह से, और एकदम कोई डर जाता है, कहने का मतलब मेक वंस फ्लैश क्रीप, किसी की स्किन पे मतलब जैसे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं तो क्या वो डर जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है वो, तो वो वाली कंडीशन ही है। दैट हॉरर मूवी मेक्स माई फ्लैश क्रीप, वो हॉरर मूवी मुझे बहुत डरा देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों स्नेक इन द ग्रास। ओके, अब ग्रास है बिल्कुल, ये देखो ग्रीन ग्रीन, इसमें एक छोटा सा ऐसा स्नेक छुपा बैठा है, और वो भी किस्मत से थोड़ा ऐसे कलर का है जिसमें पता नहीं चल रहा आपको, तो वो छुपा बैठा है, तो वो है हिडन एनिमी। आपने देखी होगी एक इमेज जिसमें जो बहुत वायरल होती है, आप सर्च करेंगे ना स्नेक इन द ग्रास, तो एक ग्रास दिखेगी उसमें छोटा सा स्नेक दिखेगा आपको बैठा हुआ। तो
तो सिंपल सी बात है, एक हिडन एनिमी होना। हिज फ्रेंड टर्न आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, उसका दोस्त जो है वो एक हिडन एनिमी है, ये पता चला बाद में हमें कि वो हिडन एनिमी निकला। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों बाय लीप्स एंड बाउंस, ये तो पता ही है, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की। जैसे किसी किसी की तरक्की होती है ना एकदम दिन दूनी रात चौगुनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा रैपिडली रैपिड ग्रोथ होती है। वैसे ही अभी आप जैसे पढ़ाई करते हैं तो आपकी स्टडीज़ में ग्रोथ होनी चाहिए। आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं मान लो उसमें आपके 135 आते हैं, तो अब आपके आने चाहिए 140, फिर 145, फिर 150, फिर 160, ऐसे आने चाहिए। तो ये है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की, ठीक है। ऐसा नहीं कि 135 से 135.5 आए, फिर आ रहे हैं 136, ये नहीं है। ये यहाँ से 135 से 160 तक का आने का जो है टारगेट हमारा, वो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की, रैपिड ग्रोथ होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। थैंक्स टू अवर न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आवर स्मॉल कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंस ओवर द पास्ट ईयर। ओके, ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखेंगे हम साइमन प्योर। ओके, इसकी मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ऐड किया है। अब आप प्योर से एकदम यही समझ लीजिए कि कोई भी पर्सन प्योर है बहुत ज़्यादा। साइमन नाम का मान लो कोई पर्सन है, आपका दोस्त होगा कोई जिसका नाम आपने साइमन रख दिया मान लो, तो वो बहुत प्योर है। तो सिंपल जेन्युइनली एंड थोरली प्योर, एकदम जेन्युइनली और थोरली प्योर है कोई पर्सन। अब पर्सन है या कोई चीज़ है पता नहीं। देखो दैट लेबोरेटरी टेस्ट वॉज साइमन प्योर, नन ऑफ द स्पेसिमेंट्स वर वॉज एडल्ट्रेटेड। ओके, जो लेबोरेटरी टेस्ट था वो एकदम प्योर था, जेन्युइन था, ऑनेस्ट था, है ना। कोई भी चीज़ है, कोई भी जो स्पेसिमेंट बोलते हैं किसी भी चीज़ के सैम्पल्स जो थे वो एडल्ट्रेटेड नहीं थे, सब कुछ एकदम प्योर था। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल ब्लेस्डनेस, ये तो आपको पता होगा, आप सिंगल हो, ब्लेस्ड हो मतलब अनमैरिड हो, सिंपल सी बात है। तो द स्टेट ऑफ बींग अनमैरिड। ओके, एग्जाम्पल है आफ्टर अ 9 month सिंगल ब्लेस्डनेस ही अगेन मैरिड। ओके, मतलब कोई पर्सन है जिसकी शादी हो चुकी होगी लेकिन डाइवोर्स भी हो चुका होगा उसका, या उसकी जो भी स्पाउस है वो चल बसा होगा या कुछ भी। तो 9 months के सिंगल ब्लेस्डनेस के बाद वो टाइम जब वो अनमैरिड रहा है ही अगेन मैरिड। ओके, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं वेल डिस्पोज्ड। अब देखो आप ये देखो सबसे पहले डिस्पोज मतलब क्या होता है। अपन को जो नॉर्मल मीनिंग पता है डिस्पोज का वो ये होता है कि कोई कचरा अपन जो डिस्पोज करते हैं, ठीक है, तो आप उससे ही लिंक बना लो, जो पता है ना हमें हम उससे लिंक बनाइए, यही होता है निमोनिक्स। अपने माइंड में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसी से लिंक करके कोई नई चीज़ को याद करना, ठीक है। तो जो हमें अब भैया कचरे का डिस्पोज वाली चीज़ पता है तो हम वो याद रखेंगे कि जिस जगह पर कचरा एकदम वेल डिस्पोज्ड होता है, अच्छे से डिस्पोज किया जाता है, तो आप उसी के फेवर में इंक्लाइंड रहोगे ना, उसी सिटी के, उसी जगह के। तो बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो जैसे जो इज़ ऑलवेज ओबीडियंट टू हिज बॉस, जो हमेशा ओबीडियंट है, एकदम आज्ञाकारी है उसके बॉस का, एंड ही इज़ वेल डिस्पोज टूवर्ड्स हिम, और वो उसके फेवर में भी इंक्लाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइस विद द लार्क, राइजेस विद द लार्क। राइस मतलब उठना और लार्क मतलब होता है एक पक्षी होता है जिसको हिंदी में भरत पक्षी बोलते हैं। तो आपने सुना होगा बिल्कुल सुबह सुबह पक्षियों की कैसी आवाज़ आती है, चू 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 करके, है ना। तो पक्षियाँ बहुत जल्दी उठ जाते हैं, एकदम हमारे जो पक्षी होते हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो अपन भी वही बात कर रहे हैं कि मैं भी पक्षियों के साथ उठता हूँ, मतलब कि टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठना, ठीक। ही यूजुअली गोज़ टू बेड एट 9 PM एंड राइजेस विद द लार्क, जल्दी उठ जाता है वो, जल्दी सोता है 9 बजे और जल्दी उठ जाता है। अगर आप 2 बजे सोएंगे तो फिर कहाँ से उम्मीद है कि आप 6 बजे उठ पाओगे, है ना। वो सिर्फ आप एग्जाम के टाइम पे करते होंगे, डेली लाइफ में ये नहीं हो पाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं टू हैव ब्रश विथ, इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको याद देखो, इसका मतलब होता है टू हैव अ स्लाइट इनकाउंटर, मतलब थोड़ी सा मतभेद होना, थोड़ी सी अनबन होना, थोड़ा झगड़ा होना, ये सब। तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि मेरा जो है ना भाई के साथ ब्रश के पीछे बहुत झगड़ा होता था, है ना, क्योंकि हम दोनों का जो ब्रश था ना वो सेम कलर का था, और एक दिन उन्होंने गलती से मेरा ब्रश कर लिया था, तो मैंने बहुत लड़ाई की थी उनसे, ठीक है। और फिर मैंने उस दिन नया ब्रश खरीद के लाई बिल्कुल दूसरे कलर का। तो मैंने ऐसे याद किया क्योंकि मेरे दिमाग में कोई और इन्फॉर्मेशन स्टोर थी पहले से, उसको मैंने लिंक कर लिया। तो ब्रश के साथ आपकी कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर है, ट्रिक्स बनाने का यही तरीका है, आपके माइंड में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर है जिससे आप ब्रश को एक लड़ाई से लिंक कर सको, ठीक है। तो वो होता है निमोनिक्स, और आपको इस टेक्निक का यूज़ करना ही चाहिए, ठीक है। अभी हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है,
हमारा इंग्लिश का बता रही हूँ, जैसे जीके में जो पेपर है यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जैसे आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तब आपको पढ़ना ही पड़ता है हर चीज़। जैसे भैया ने वीडियो डाला हुआ है कि बाबर के जो हमारे युद्ध है और कई चीज़ें हैं जो ट्रिक से पढ़ाई हुई हैं, तो यूपीएससी वाले स्टूडेंट को वो ट्रिक्स चीज़ें रखने की याद रखने के लिए काम ज़रूर आएंगी, लेकिन उन्हें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हम एक एसएससी स्टूडेंट हैं, ये जो पढ़ा रही हूँ मैं या भाई जी के पढ़ाता है वो एसएससी के हिसाब से है, तो आपको सिर्फ निमोनिक्स से काम बन जाएगा आपका, है ना। बाकी डीप स्टडी समझना तो अच्छी बात है, अगर आप समझ सकते हो तो समझो, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है ना। तो इसका मतलब देखो, ब्रश से मैंने जो लिंक बनाई लड़ाई की वो मेरी लिंक बन गई, तो आप भी अपनी लिंक बनाओ, बाकी नहीं तो इससे ही आप याद रख सकते हो, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अनूप हैड अ ब्रश विद द लॉ। अब ये कोई पहली बार नहीं था कि अनूप का झगड़ा हुआ था कानून से, मतलब हो सकता है किसी बात पर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं, टू टेक टू हार्ट, कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है, दिल पे ले लेना किसी चीज़ को, बिल्कुल, है ना। टू ग्रीव ओवर, ग्रीव ओवर मतलब उसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, डिप्रेस हो जाना, बार बार सोच के वही चीज़, तो वो होता है। ही रियली टुक दैट जॉब रिजेक्शन टू हार्ट। ओके, देखो यहाँ पे जॉब रिजेक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन यूजुअली क्या करते हैं लोग, जॉब की परवाह है नहीं, लड़की ने मना कर दिया तो ज़रूर दिल पे ले लेंगे, पागल हो जाएंगे एकदम, है ना, ऐसे करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब अपने करियर पर भी थोड़ा ध्यान दो भाई। तो ही रियली टुक दैट जॉब रिजेक्शन टू हार्ट, ये रिजेक्शन हार्ट पे वही वाली है ना, शादी में ज़रूर आना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला हाल, तो वैसा होना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल बस नस काट ली या सुसाइड कर लिया या बकवास लोगों की तरह एकदम बेवकूफ़। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नो लव लॉस्ट बिटवीन। इसका मतलब मैंने तो ऐसे याद किया था, इसके मीनिंग से अगर आप देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि लव किसी दो लोगों के बीच में जो लव है वो ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कि बहुत अच्छी चल रही होगी जो भी है रिलेशनशिप या जो रिश्ता है जो अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आप इसलिए नहीं देखोगे, क्यों, क्योंकि मैंने यही समझा तो मुझे ये लगा, लेकिन जब एग्जैक्ट मीनिंग देखा तो नॉट ऑन गुड टर्म्स, कोई चीज़ हो ना नॉट ऑन गुड टर्म्स, तो आप सिर्फ इतना रखो कि लव लॉस्ट हो गया, मतलब किस दो लोगों के बीच का लव चला गया, है ना, ख़त्म हो गया, इसलिए नॉट ऑन गुड टर्म्स है, तो आप इन दो वर्ड्स पर फोकस करेंगे, ठीक। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ना कोई लव है ना लॉस्ट है ना कुछ नहीं, मतलब कुछ ही नहीं है किसी के बीच में, तो बस नॉट ऑन गुड टर्म्स, गुड टर्म्स में नहीं होंगे वो। देर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू नेबर्स, दो पड़ोसियों के बीच में कोई भी लव लॉस्ट नहीं है, मतलब वो दोनों गुड टर्म्स में नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब बिल्कुल चुटकियों में, है ना, ऑन द पॉइंट ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब बिल्कुल तुरंत चुटकियों में, ऑन द पॉइंट ऑफ। अब एग्जाम्पल देखते हैं, माई सन इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग एडमिशन इन टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बिल्कुल तुरंत जो चीज़ होने वाली है उसका मतलब होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, मतलब मेरे बेटे को एडमिशन बस मिलने ही वाला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में, है ना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने ही वाला है। नेक्स्ट है हमारा, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। ओके, ये आपका हाथ है, ठीक, ये आपकी स्लीव है ना, आपने यहाँ पे आप पत्ता खेल रहे हो या कुछ, ये आपका हाथ है ना, या आप पत्ते खेल रहे हो, आपने यहाँ पे स्लीव में पत्ता छुपा लिया, जैसे मैं करती थी जब मैं कार्ड्स खेलती थी तो मैं कार्ड है ना स्लीव में छुपा लेती थी, मतलब कि मैंने अपना एक सीक्रेट प्लान रखा हुआ है, मतलब कि मैंने अपना एक सीक्रेट प्लान रखा हुआ है ना, कि अगर मेरे पास खराब पत्ते आए तो मैं उस पत्ते को यूज़ कर लूँगी, तो सिंपल सी बात है, ये मैंने अपने स्लीव में कुछ छुपा के रखा है, मतलब मेरा वो सीक्रेट प्लान है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव गॉट समथिंग अप माई स्लीव एंड इट शुड सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब देखो कोई दूसरे सेंस में यूज़ कर रहा है इसे, वो ये बोल रहा है कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है ना, मेरी स्लीव्स में मान लो एक सीक्रेट प्लान है और ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पुट अप विथ, पुट अप विथ, पुट अप विथ जो है हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब ना, फ्रेजल वर्ब में आती है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, किसी पर्सन को यूजुअली टॉलरेट करने के लिए आता है ये, इंडोर इसका मतलब यही होता है कि सहना, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, सहना, तो इसका मतलब एग्जाम्पल देखो आप, आई विल नॉट पुट अप विथ योर बैड बिहेवियर एनी लॉन्गर, आई विल नॉट पुट अप विथ योर बैड बिहेवियर एनी लॉन्गर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब तुम्हारा ये खराब बिहेवियर अब आगे और नहीं झेल सकती, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल है। तो पुट अप विथ अच्छे से याद रखना कुछ भी चीज़ में आप, कि टॉलरेट करना होता है। और एक और बात बताऊँ मैं आपको कि जितनी ज़्यादा आप फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करोगे ना एग्जाम्पल में, आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से याद रख पाओगे उसे। अब मुझे ये वर्ड पता है कैसे याद हुआ था,
मुझे ये याद हुआ था, मैंने FB में किसी की फीड में वो देखा था, एक पोस्ट, एक लड़के ने उसकी वाइफ के लिए पोस्ट डाला था कि थैंक्स फॉर पुटिंग अप विथ मी, उसने लिखा था थैंक्स फॉर पुटिंग अप विथ मी। तो मैंने तुरंत उसका पता लगाया कि भाई ये क्या होता है ये पुटिंग अप विथ, मैंने तुरंत नेट पे चेक किया और मुझे पता चला कि उसने बोला कि मुझे सहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब सहना किसी चीज़ को के साथ एडजस्ट करना है ना, एडजस्ट करना। तो मुझे ये पता चला और मुझे देखो आज तक याद है। तो आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे ना, जितना ज़्यादा पता करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे क्यों नहीं पता, मैं देखता हूँ इसको, चेक करता हूँ, तो आपके मन में ये होना चाहिए, जब ही तो आप सीखोगे। अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है आपके साथ, आपको सीखना पड़ेगा, खुशी खुशी सीखना पड़ेगा, रो रो के नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ज्ञान की बातें, अपन चलते हैं नेक्स्ट ईडियम पर, जो कि है हमारा अ मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट मतलब नॉर्मल रोड पे कोई मैन घूम रहा है, तो क्या है वो, एक ऑर्डिनरी मैन है, सिंपल है। जस्ट इंटरव्यू अ मैन इन द स्ट्रीट सो वी कैन हियर पब्लिक सेंटीमेंट अबाउट द न्यू गवर्नमेंट। ओके, अब यूजुअली क्या होता है मूवी रिव्यू के लिए या कुछ भी गवर्नमेंट के बारे में, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कहीं ऑर्डनरी लोगों के ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं रोड पे जो घूमते रहते हैं ना, माइक लेके लेके घूमते हैं और किसी से भी पूछते रहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, वो वाली बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा भैया बोसम फ्रेंड है ना, जो कि बहुत अच्छा दोस्त था। ये एक है भैया अपना नया वाला, कौन सा दोस्त है, फेयर वेदर फ्रेंड। वेदर मतलब आपको पता है अच्छा मौसम, और फेयर मतलब अच्छा, ठीक। तो अच्छे मौसम का दोस्त है ये भैया अपना। ये मतलब क्या है कि जब अपने अच्छे दिन चल रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छे दिन, तब अपना दोस्त है। जैसे ही अपने पास कोई प्रॉब्लम आई और ये भागा बिल्कुल दुम दबा के, ठीक है, पतली गली से भाग लेता है ये दोस्त। तो ये होता है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब सिर्फ अच्छे समय का साथी। मतलब डेजर्ट मतलब ये देखो डेजर्ट, अ फ्रेंड दैट डेजर्ट इन डिफ़िकल्टीज़। ये डेजर्ट का मतलब होता है किसी को छोड़ के चले जाना, है ना, अकेला किसी को छोड़ देना। तो वो दोस्त होता है ये जो डिफ़िकल्टीज़ में आपको छोड़ के चला जाता है, ठीक। कई रहते हैं ऐसे, है ना, मेरे पास भी कई ऐसे दोस्त हैं। एग्जाम्पल का सेंटेंस देखते हैं हम, डेविड इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। अब कोई डेविड है वो एक फेयर वेदर फ्रेंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं करी फेवर्स। करी फेवर्स सीक फेवरेबल अटेंशन, कोई अटेंशन आप मतलब ढूंढना है ना, फेवरेबल अटेंशन पाना किसी का, मतलब आप किसी न किसी का फेवर चाह रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो आपने देखो करी से अपन ने याद किया था एक दूसरा स्करीलस, जिसमें आप करी के लिए अब्यूसिव वर्ड्स बोल रहे थे, है ना। तो इसमें आप याद रखो कि आपने करी बनाई है और किसी को करी पसंद है, तो आपने उसके लिए करी बनाई ताकि वो आपको फेवर करे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, फ्लैटरी वॉन्ट वर्क। फ्लैटरी मतलब चापलूसी, चापलूसी काम नहीं करेगी। द ओनली वे ऑफ करिंग फेवर विथ हिम इज़ थ्रू हार्डवर्क। उसका तुम अटेंशन कैसे पा सकते हो, सिर्फ हार्डवर्क करके, चापलूसी करके काम नहीं बनेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा इन अ नटशेल। इन अ नटशेल देखो मैंने ये सुना था, इन अ नटशेल वैसे मैंने पढ़ा था ऑलरेडी और मुझे याद था, लेकिन जब मैं एक UPSC का इंटरव्यू देख रही थी ना, तो किसी ने किसी मतलब एस्पिरेंट से क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे क्या अभी जो चल रहा है न्यू गवर्नमेंट का फेज और ये जो भी चीज़ है, तो आप वो मुझे इन अ नटशेल समझा सकते हैं, मतलब कैन यू डिस्क्राइब दिस इन अ नटशेल, मतलब बिल्कुल छोटे ब्रीफली और कंसाइसली आप समझा सकते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे ये दोस्तों ये जो वर्ड है मैं बता रही हूँ जो यूजुअली यूज़ होते हैं कहीं भी किसी भी आर्टिकल में कहीं भी, वही SSC पूछती है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रीडिंग करते हैं ना तो आप मैं आराम से आप 160 से अबव ले आएंगे, और थोड़ी और मेहनत करेंगे तो 180 प्लस आ जाएंगे, है ना, बिल्कुल, जैसे कि मेरे आए हैं 182.5। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके, ब्रीफली एंड कंसाइसली। एग्जाम्पल है आई डोंट वॉन्ट द लॉन्ग वर्जन, मुझे लॉन्ग वर्जन नहीं चाहिए, जस्ट टेल मी वॉट योर थीसिस इज इन अ नटशेल। जैसे आप थीसिस सबमिट करते हैं ना, तो वो मुझे शॉर्ट में समझाओ, मुझे कोई लॉन्ग वर्जन पसंद नहीं। नेक्स्ट, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। किसी के व्हील में, किसी के चक्के में, किसी की गाड़ी है, आप उसके व्हील में एक स्पोक फंसा रहे हैं, है ना, एक स्पोक आपने फंसा दी, तो क्या कर दिया आपने, उसकी प्रगति जो भी प्रोग्रेस है उसको हिंडर कर दिया, रुकावट डाल दी आपने, सिंपल सी बात है। तो सम एम्प्लॉयज ऑफ माई ऑफिस ऑलवेज ट्राई टू पोक स्पोक इन माई व्हील, पुट स्पोक इन माई व्हील। तो कुछ मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं जो हमेशा स्पोक लगाते हैं मेरी व्हील में, मतलब मुझे हिंडर करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, हमारे शायद एक या दो बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं, है ना। टू कॉल अप, टू कॉल अप मतलब सिंपल है, आई एम कॉलिंग अप हिम। तो टू टेलीफोन, टेलीफोन करना, किसी को फ़ोन करना, कॉल अप करना। आई फॉरगॉट टू कॉल अप मिस्टर रोहन यस्टरडे, मुझे मिस्टर रोहन को
कॉल करना था, टेलीफोन से फ़ोन करना था मुझे, लेकिन मैं भूल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये लास्ट है हमारा दोस्तों। देखो, जंप आउट ऑफ वंस स्किन, सिंपल है, जंप आउट ऑफ वंस स्किन, इसको सिर्फ स्किन से याद रखना आप। और जंप आउट ऑफ मतलब एकदम से ये समझो कि आपकी स्किन में जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, है ना, वो जंप कर गए, मतलब खड़े हो गए एकदम, मतलब पैनिक्ड हो गए एकदम, टेंशन में आ गए, मतलब आप टेंशन में आ गए। आई जंप आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड, जब ये धमाका यहाँ पे हुआ, जैसे जो अपना हुआ था पुलवामा अटैक वाला धमाका, तो जहाँ आसपास जो लोग रहते होंगे वो क्या हो गए होंगे, वो जंप आउट ऑफ वंस स्किन हो गए होंगे, है ना, ऑब्वियसली हो गए होंगे क्योंकि इतना खतरनाक धमाका हुआ था। तो आई जंप आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड। तो दोस्तों जैसे तैसे देखो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, है ना, 25 idioms and phrases, और ये हमारा पार्ट 4 है। आप प्रीवियस पार्ट्स भी जाके ज़रूर देखें और प्लीज़ कमेंट करें आपको कैसा लगा। और हाँ, मैं कंटिन्यूसली पार्ट अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ये मतलब बहुत मुझे ख़राब लग रहा है खुद को। मैंने कंटेंट लेकिन रेडी कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे जैसे रिकॉर्ड कर पाऊँ तो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। लेकिन आप तब तक प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको रिवाइज़ करेंगे, और जीके के अप्रॉक्सीमेटली 1200 प्लस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं चैनल में, बिल्कुल अपलोडेड हैं, देखें जाके। और कुछ क्वेश्चन ज़रूर उसमें रिपीटेड होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रिपीटेशन से ही तो आपको याद होगा ना, रिपीटेशन जब तक नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा। इन सबको अच्छे से याद करना है आपको, रिवाइज़ करना है, क्योंकि रिविज़न के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, बहुत से लोग हैं ना इंग्लिश का वो पूछते हैं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी जब मेरा थोड़ा गला ठीक हो जाएगा तब। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।